हेलो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो जो इटरेटिव डीपनिंग है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है डीएफएस और बीएफएस का। या आप कह सकते हो कि जब हम डीएफएस के अंदर डेप्थ लिमिट सर्च का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो इन इन दिस द बेस्ट डेप्थ लिमिट इज फाउंड आउट बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लिमिट। सो इटरेटिव वर्ड इसलिए ही आया है कि हर इटरेशन में अगर आपको गोल नोट नहीं मिलती तो आप डेप्थ की लिमिट को बढ़ा दो, और इनिशियली जो डेप्थ की लिमिट होगी वो होगी ज़ीरो, और हर इटरेशन पे ऑन एवरी इटरेशन इंक्रीज बाय वन। ठीक है, सो एक से इंक्रीज करना है। ठीक है, सो एक से ही बढ़ाना है, एक से ज़्यादा से आपको नहीं बढ़ाना है। हर इटरेशन पे सिर्फ एक से आपको इंक्रीज करना है। अब एडवांटेज क्या, जैसे मैंने कहा कि डीएफएस और बीएफएस का हाइब्रिड है, तो इट इनकॉर्पोरेट्स और इंक्लूड्स द बेनिफिट्स ऑफ बोथ बीएफएस एंड डीएफएस। सो इनकॉर्पोरेट्स बेनिफिट्स ऑफ बोथ बीएफएस एंड डीएफएस। ठीक है, अब बेनिफिट्स आप कह सकते हो कि किस किस फॉर्म में होंगे। एक तो फास्ट सर्चिंग और लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट। देन द डिसएडवांटेज ऑफ इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च इज इट रिपीट्स द वर्क ऑफ द प्रीवियस फेज। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। इसमें एक तरह से रिपीटिशन होती है। सो रिपीट्स द वर्क और यू कैन से प्रोसेस। तो बार 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 हमें एक ही चीज़ करनी पड़ती है इसमें। सो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। सो लेट अस से हमारे पास कुछ इस तरह से है, सोर्स नोड है एस, उसके बाद है ए, देन वी हैव लेट अस से दिस डी, बी, सी, ई, ये गोल नोड है जी, देन एफ, एच एंड आई। सो मैंने ऐसे कुछ लिया, आपके पास कुछ और एग्जांपल हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो स्टार्टिंग नोड है एस और गोल नोड है जी। अब देखो ये काम कैसे करेगा। पहले एक बार मैं लेवल लिख देता हूँ, जो जो लेवल्स हैं। सो दिस इज लेवल ज़ीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। ठीक है, अब इसमें इटरेशन्स होती हैं अलग अलग। सो फर्स्ट इटरेशन में जो आपका डेप्थ होगा वो होगा ज़ीरो, डी इज़ ज़ीरो। दैट मीन्स वॉट, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ तक ही देखूँगा। तो इसके अगर आप ट्रेवर्सल कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एस। देन अब हमें गोल लोड नहीं मिली तो हम डेप्थ को इंक्रीज करेंगे। सो सेकेंड इटरेशन, डी को एक से बढ़ाएंगे तो ज़ीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन। अब हम कहाँ तक देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ तक। ठीक है, सो अब इसमें क्या होगा, देखो अब क्या करना है। अब आपको यहाँ पे दोबारा से डीएफएस अप्लाई करना है, तो क्या होगा, एस ए सी। सो इट विल बी एस टू ए टू सी। ठीक है, गोल नोड मिला नहीं मिला, दोबारा से इंक्रीज करेंगे लेवल। सो अब लेवल इंक्रीज करके कहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ तक। सो इन द थर्ड इटरेशन, डी इज इक्वल्स टू वन प्लस वन दैट इज टू, यहाँ तक करेंगे। अब दोबारा से शुरू करेंगे, तो यही था रिपीटेशन। ये आप देख रहे हो कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो क्या होगा, एस ए डी
देखो पूरा डीएफएस है तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप डीएफएस वाला वीडियो देख सकते हो। ये भी इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होता है, यूजिंग स्टैक। सो यू कैन वॉच द डीएफएस वीडियो कि डीएफएस कैसे काम करता है। सो एस ए डी देन बी देन सी ई एंड जी। सो ये इट्रेशन होगा या ये ट्रेवर्सल होगा जिसमें हमें गोल नोड जी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती, सपोज आपकी गोल नोड होती आई, तो क्या होता है, एक और इट्रेशन होती, फोर्थ इट्रेशन, और इसमें अब डी कितना हो जाता है, 2+1 डेट इज 3। अब आप पूरा का पूरा ट्रेवर्स करते तो उसमें आपका जो ट्रेवर्सल आता वो आंसर हो जाता। सो इस तरह से हर एक इट्रेशन पे आपको डेप्थ को इंक्रीज करना है और उसके बाद देखना है कि आपका जो आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।